हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज हम देखेंगे किंग्स गैम्बिट डिक्लाइन के बारे में। ओपनिंग ध्यान रखिए, ओपनिंग नहीं सिखा रहा हूँ अभी। हम हर एक वीडियो में कोई ना कोई गेम के ऊपर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कम्प्लीटली, जिससे आपका थिंकिंग कैलकुलेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे किंग्स गैम्बिट डिक्लाइन, वाइट टू प्ले e4, ब्लैक e5, f4 और यहां पे बिशप c5। दिस इज किंग्स गैम्बिट डिक्लाइन, लाइन का नाम है डिक्लाइन। यानी ब्लैक ने पॉन टेक्स पॉन नहीं किया, इसलिए डिक्लाइन कहते हैं कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्टेड नहीं होता है। नाइट f3 ये मेन लाइन की मूव है। ब्लैक ने खेला d6, बिशप c4, ये भी लाइन टू लाइन बुक टू बुक मूव है दोस्तों। नाइट f6, ये लाइन खेलने में बहुत डेंजर है। व्हाइट से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन पूरे वेरिएशन जब आप सीख जाते हो तभी इस ओपनिंग का ट्राई कर सकते हो गेम में, टूर्नामेंट में। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस के लिए बेटर है, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस कोई भी ओपनिंग की करते हैं हम, तो उसके सारे वेरिएशन हमें तैयार कर लेने होते हैं दोस्तों। c3, अब व्हाइट की ओर से कितने मूव्स आते हैं, ब्लैक की ओर से बहुत सारे वेरिएशन है इसमें, इसलिए ये लाइन सीखना बहुत ही डीपली है किंग्स गैम्बिट। मेरे हिसाब से ये ना ही खेले तो बहुत बेहतर होगा। कैसलिंग, d3, नाइट c6, क्वीन e2, यहां पे बुक टू बुक मूव है re8। व्हाइट प्लेड f5 और यहां आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट होनी चाहिए दोस्तों? सेंटर में अपोनेंट का किंग है। मैंने पहले भी बताया, जब भी अपोनेंट का किंग सेंटर में रहता है और हमारा कैसलिंग हो चुका होता है, तो जल्दी से उसे एक्सपोज करने का ट्राई करते हैं। इस गेम में हम एक्सपोज करेंगे d5 से, क्योंकि क्वीन और किंग एक ही लाइन में है। पॉन टेक्स d5 ये बहुत ही रिस्की होगा व्हाइट के लिए, तुरंत e4 की थ्रेट है। बिशप b3 ये बेस्ट ऑप्शन है ओनली। अब मैं यहां पे किंग को सेंटर में ही है, तो कैसे अगर मैं डेवलप करके खेलूंगा, व्हाइट का ट्राई होगा नेक्स्ट मूव में, या तो वो किंग d1 करेगा, बिशप e3 करके एक्सचेंज करेगा, उसके बाद शॉर्ट कैसल भी कर सकता है। इतने सारे हम उसे चांस नहीं देना चाहते हैं, तो तुरंत यहां पे बिशप टेक्स f5। अब देखिए जबरदस्त सैक्रिफाइस है यहां पे। अगर व्हाइट ने e takes f5 कर दिया तो नेक्स्ट रेट है e4 की। अब पॉन टेक्स पॉन ये भी ब्लंडर होगा, आफ्टर रुक टेक्स e4 क्वीन पिन हो जाएगी और व्हाइट क्वीन लॉस हो जाएगा। तो इस पोजीशन में व्हाइट एक रिप्लाई दे सकता है किंग d1, लेकिन किंग d1 में भी ब्लैक विल गेम अप आफ्टर पॉन टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स और नाइट e5, क्वीन e2। ये थोड़ी बैड है क्योंकि डिस्कवर्ड में आना कोई भी नहीं चाहेगा रुक की लाइन में। अगर क्वीन g3 खेला तो यहां पे नाइट g4 और कंप्लीटली ब्लैक के हाथ में ये गेम है, क्योंकि नेक्स्ट रेट नाइट f2 फॉर्क। ऑलरेडी किंग डिस्टर्ब हो चुका है और ऑलरेडी बहुत सारा अटैक भी है, तो यहां पे और क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों ये पोजीशन में पॉन टेक्स बिशप बहुत ही डेंजर होगा। बिशप सैक्रिफाइस हमने कर दिया है और व्हाइट की ओर से अगर e takes f5 कर दिया तो यहां व्हाइट के लिए बहुत डेंजर है। तो बेस्ट चॉइस कौन सी होगी? तो यहां पे बेस्ट चॉइस बिशप जी फाइव उसकी चॉइस में से बेस्ट चॉइस है, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक ने किंग को एक्सपोज कर दिया है और बिशप जी फाइव के रिप्लाई में d into e4 के बाद व्हाइट की गेम टोटली क्रैश होती है। आफ्टर d takes e4 bishop takes e4 और यहां पे bishop takes knight
बिशप टेक्स नाइट में बिशप इंटू एफ थ्री, क्वीन टेक्स एफ थ्री, सॉरी बिशप इंटू डी एट अगर करता है तो बिशप इंटू ई टू आफ्टर किंग टेक्स, और यहाँ पे सिंपलीफाई हो जाएगी गेम और ब्लैक विल टोटली टू पॉन अप और एंड गेम क्लियरली विनिंग। तो बिशप टेक्स एफ थ्री, बिशप टेक्स डी एट के बजाय अगर उसने क्वीन टेक्स एफ थ्री कर लिया व्हाइट ने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर क्वीन टेक्स एफ सिक्स सो गेम विल बी सिंप्लीफाई और टू पॉन अप के साथ हम गेम यहां पे आसानी से जीत सकते हैं। तो ये है किंग्स इंडियन। दोस्तों यहां पे एक आपके सामने जो पोजीशन है जहां आप सोच सकते हो और मेरे हिसाब से आपको भी बेस्ट मूव मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बाद में आप वीडियो पॉज करके खुद पहले सोच लीजिए, खुद के हिसाब से मूव ढूंढिए और सारे मूव्स का एनालिसिस मैं बताऊंगा। रूक टेक्स डी फोर ये बेस्ट, यहाँ पे ब्रिलियंट सेक्रीफाइस है। आफ्टर नाइट टेक्स डी फोर, नाइट टेक्स डी फोर, पॉन टेक्स, आप देख सकते हो कि क्वीन टेक्स डी फोर पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ क्वीन ई टू चेकमेट। तो पॉन टेक्स, उसके बाद बिशप बी फोर पिनिंग द क्वीन, आप सेक्रीफाइस है, क्वीन टेक्स बिशप में सिंपल क्वीन ई टू चेकमेट हो रहा है। तो किंग एफ टू, बिशप टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स जी फोर चेक, आफ्टर एफ फाइव व्हाइट विल टेक योर बिशप एंड पॉन टेक्स बिशप, रूक ई वन, आफ्टर क्वीन टेक्स डी फोर, बिशप ई थ्री, क्वीन टेक्स बी टू चेक एंड रूक ई एट, यहाँ पे ब्लैक विल विन सिंपली गेम। दूसरे भी मूव हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि अगर व्हाइट आफ्टर नाइट टेक्स और अगर पॉन टेक्स यहाँ पे सी टेक्स डी फोर सिंपल बिशप बी फोर सेम पोजिशन होगी पिनिंग द बिशप क्वीन आफ्टर और सिंपल यही मूव है। तो यहाँ पे नाइट टेक्स रुक, अगर हम पहले से ही पॉन टेक्स रुक कर ले तो क्या होता है, तो सिंपल सी टू बी फोर तो बिशप बी फोर पिनिंग द क्वीन और उसमें नाइट का सपोर्ट है और आपको क्वीन वैसे ही मिल जाएगी। नाइट टेक्स, अगर एक और अल्टरनेटिव है नाइट टेक्स रुक के बाद यहां पे लॉन्ग कैसल, अगर लॉन्ग कैसल किया तो सिंपली नाइट ई टू चेक और फोर्स व्हाइट विल लॉस इस क्वीन। उसके बाद अगर एक और अल्टरनेटिव देखते हैं दोस्तों, कैसल के बजाय रुक डी वन, रुक डी वन में सिंपल क्वीन ई टू और यहां पे भी आपको पीस मिलता है। ब्रिलियंट पोजीशन है, ऐसी ऐसी बहुत सारी पोजीशंस में आपके सामने लेके आऊंगा दोस्तों हर एक वीडियो में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई ओपनिंग, किसी ओपनिंग के बारे में गेम, हम गेम डिस्कस करेंगे उसी के हिसाब से आपकी ओपनिंग भी तैयार होती जाएगी दोस्तों। आप खुद भी इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके ओपनिंग प्रिपेयर कर सकते हो। हर एक ओपनिंग के मूव्स आपको नोट कर दीजिए, इस ओपनिंग में हमने इस वीडियो में पहले आपको दिखाया मैंने कि किंग्स गैम्बिट के बारे में, तो किंग्स गैम्बिट के स्टार्टिंग में मूव, स्टार्टिंग के जो मूव्स हैं वो आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।